नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो हैं बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि बीजीपी प्रोटोकॉल आपको कब यूज़ करना है, कहाँ पर यूज़ करना है, किस सिनेरियो के अंदर यूज़ करना है, और बीजीपी प्रोटोकॉल कहाँ पर नहीं यूज़ करना है और किस सिनेरियो में यूज़ नहीं करना है, और क्या डिटेल्स आपके पास, कैसे इक्विपमेंट होने चाहिए जहाँ पे आपको यूज़ करना है, और कहाँ पे ऐसे इक्विपमेंट हैं जहाँ पे आपको बीजीपी प्रोटोकॉल नहीं यूज़ करना है। तो यही मैं आपको आज पूरा डिटेल में समझाने वाला, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं हूँ मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो दोस्तों, अगर आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है टेक गुरु मंजीत, वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। हर सैटरडे को मैं आने वाला हूं लाइव और जो है आपको देने वाला हूं आपके सवालों के जवाब। तो चलिए अभी हम हमारा स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहां पे सबसे पहले देखते हैं यहां पे व्हेन टू यूज बीजीपी, कहां पे आपको बीजीपी प्रोटोकॉल इस्तेमाल करना है, कहां पे आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बीजीपी प्रोटोकॉल एक काफी बड़ा प्रोटोकॉल है और जिसके चलते जो है आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम होना चाहिए, तभी आपको बीजीपी प्रोटोकॉल बिल्कुल सही तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहली कंडीशन क्या आती है? सबसे पहली कंडीशन आती है कि आप अगर से फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी हो, राइट, जहां पे हम बात करते हैं मल्टी होम, मल्टी होम बोला जाता है, मल्टी होम इन्वायरमेंट आप कह सकते हो कि एक आपकी कंपनी है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक आपका कंपनी है जिसका बहुत बड़ा नेटवर्क है और यहाँ पे कुछ आपके राउटर्स चल रहे हैं, ये आपके राउटर्स चल रहे हैं और इनके ऊपर आप कोई भी आईजीपी प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे हो। अब यहाँ पे जो है आपने, क्योंकि ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और आपके इस नेटवर्क के अंदर इंटरनेट का डाउन टाइम आपको नहीं चाहिए, तो व्हाट यू कैन डू इज यहाँ पे आपने एक, ये आपका एक आईएसपी है यानी कि इंटरनेट है आईएसपी, यानी कि आपको आईएसपी है, तो ये आईएसपी से आपने एक कनेक्शन लेके रखा है। फिर आपके पास एक और आईएसपी है, राइट, वहां से भी आपने इंटरनेट कनेक्शन लेके रखा है और यहाँ पे जो है आपका ये आईएसपी हो गया और इन दोनों को फिर आगे क्या ये कर रहे हैं, आपको इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है अब ये क्या हो गया, ये आपका मल्टी होम इन्वायरमेंट कराएगा। ये सपोज कर लो आपकी कंपनी है एबीसी, एबीसी कंपनी के ये राउटर्स हैं जहां पे आईजीपी प्रोटोकॉल चल रहे हो, आईबीजीपी चल रहा हो, जो भी आपका चल रहा हो, ठीक है ना। लेकिन उसको क्योंकि यहां पे आप मल्टीपल आईएसपी के साथ में जो है इन एंड आउट कर रहे हो, तो यहां पर आप बीजीपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे? सपोज कर लो आपके नेटवर्क के अंदर चार पांच कुछ अलग अलग नेटवर्क चल रहे हैं, से फॉर एग्जांपल एक चल रहा है आपका 10 का, 20 का, 21 का, 22 का, 23 का, है ना। तो ये आपके कुछ नेटवर्क चल रहे हैं। अब आप चाहते हो कि यार ये जो ऊपर के तीन नेटवर्क हैं ये कहां से जाने चाहिए, ये इस आईएसपी को साथ में जो है कम्युनिकेट करें, यहां से डेटा जो है वो इनका फैच होना चाहिए, यहीं से आउट होने चाहिए, यहीं से इन होने चाहिए। तो इसमें जो है क्या है, आप यहां से आउट करने के लिए, पाथ मैनिपुलेशन के लिए जो है आप क्या कर सकते हो, यहां पे बीजीपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी के जो दो बचे हुए हैं तो ये क्या है, आप इस वाले सेकेंड आईएसपी के साथ में इसको करना चाहते हो, तो ऐसे में जो है यहां पे आप आईएसपी को साथ में कम्युनिकेट करवाना चाह रहे हो, तो आप अपने मल्टीपल नेटवर्क्स को इस तरह से पाथ मैनिपुलेशन कर सकते हो। अब यहां पे एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर आप इस तरह का बीजीपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रहे हो तो यहां पर आपका जो राउटर है जिसके ऊपर आपने बीजीपी कॉन्फ़िगर करा है, तो ये राउटर आपका हाई एंड राउटर होना चाहिए, काफी हैवी राउटर होना चाहिए। रीजन बीइंग कि यहां से जब आईएसपी के साथ में आप बीजीपी प्रोटोकॉल के जरिए कम्युनिकेट करवाओगे तो यहां पे जितने भी आईएसपी के पास जितने भी राउट्स हैं वो सारे के सारे आपके इस राउटर के ऊपर अपडेट होने वाले हैं। अगर यहाँ पे ये हाई एंड राउटर नहीं है तब आपके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये आउट ऑफ मेमोरी हो जाएगा और आपका ये बीजीपी को सपोर्ट नहीं करेगा। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिफोर कॉन्फिगरिंग बीजीपी प्रोटोकॉल आपको ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो भले वो कोई भी राउटर हो, जहाँ पे आप बीजीपी कॉन्फिगर कर रहे हो आईएसपी के साथ में, वहाँ पे आपको हाई एंड राउटर जो है वो लगाने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कहाँ पे नहीं यूज करना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिए कहाँ पे यूज करना चाहिए एज अ कंपनी, अब कहाँ पे यूज नहीं करना चाहिए एज अ कंपनी उसकी अगर मैं बात करूँ तो से फॉर एग्जांपल ये आपकी एक कंपनी है, यहाँ पे आप क्या चला रहे हो, यहाँ पे आपके बहुत सारे राउटर्स हैं, ठीक है ना, इनको आपस में इन्होंने आपने कनेक्ट करके रखा है। अब यहाँ पे जो है आप आईजीपी कर रहे हो, आईबीजीपी कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब यहाँ पे आपका क्या है, सिंगल होम एनवायरनमेंट, सिंगल होम एनवायरनमेंट बोला जाता है जहां पे आप एक सिंगल आईएसपी को कनेक्ट कर रहे हो,
राइट, सिंगल आईएसपी को आपने यहां पे कनेक्ट करके रखा है क्योंकि आपका नेटवर्क इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, तो यहां पे आपका क्या है, एक ही आउट है और एक ही आपका इन है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, स्टैटिक डिफाइन भी कर सकते हैं, यहां पे स्टैटिक रूट भी जो है डिफाइन करके आप पूरे राउट जो है एनेबल पूरे एक्सचेंज कर सकते हो। तो यहां पर जो है बीजीपी कॉन्फिगर करने का कोई भी सेंस नहीं है क्योंकि यहां पे देखो, अगर यहां पे बीजीपी कॉन्फिगर करोगे आपके लिए डिसएडवांटेज क्या, पहली बात यहां पे जो राउटर लगाओगे जिसके साथ में आप कॉन्फिगर करोगे वो आपको हाई एंड लगाना पड़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगी आपकी। दूसरी चीज, क्योंकि यहां पे बीजीपी वहां पे यूज करना अप्रोप्रिएट है जहां पे आपके पाथ मैनिपुलेशन करना है, मतलब दो अलग अलग रास्ते या दो से अधिक अलग अलग रास्तों से आपको कुछ उसमें जो है कॉन्फिगरेशन करना है, पर यहां पे तो आपके पास सिंगल है तो यहां पे पाथ मैनिपुलेशन तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो यहां पे अपने नेटवर्क के अंदर कॉस्ट क्यों बढ़ानी हाई एंड राउटर लगा के, तो यहां पे मैं यही रिकमेंड करूंगा सिंगल होम एनवायरनमेंट, जहां पे मतलब एक सिंगल आईएसपी के साथ में आप कम्युनिकेट करवा रहे हो, एक सिंगल नेटवर्क के साथ में कम्युनिकेट करवा रहे हो, तो यहां पे आपको जो है बीजीपी प्रोटोकॉल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये दो सिनेरियो हो गए। दूसरा, यहां पे कहां पे आपको यूज करना बीजीपी मैंडेटरी हो जाता है, अगर सपोज कर लो आप एक आईएसपी बन जाते हो, अगर आप यहां पे एक आईएसपी बन गए हो तो आईएसपी भले वो सिटी लेवल का हो, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो या नेशनल लेवल का हो, किसी भी लेवल का आपका आईएसपी है, तो आईएसपी बनने के बाद आपको यहां पे बीजीपी प्रोटोकॉल चलाना मैंडेटरी हो जाता है। रीजन बीइंग, क्योंकि यहां पे आपको क्या है, दूसरे आप सपोज कर लो आपके आपने एक यहां पे एक क्लाइंट है, ये कंपनी है जहां पे से फॉर एग्जांपल ये कंपनी है एबीसी और इसको आपने इंटरनेट कनेक्शन दे दिया, अब यहां से रिक्वेस्ट आ रही है याहू सर्वर के लिए। अब याहू सर्वर अगर आपने यहां पे बीजीपी प्रोटोकॉल नहीं कराया तो आपको क्या है, यहां पे अलग अलग जितने नेटवर्क होंगे अलग अलग आईएसपी के साथ में आपका डेटा फैच होगा, उन सबके भी अलग अलग यहां पे जो है क्या चलेंगे, एएस नंबर्स चलेंगे इस तरह से, तो अलग अलग एएस नंबर्स के साथ में आप अपडेट नहीं ले पाओगे, राइट। आप सपोज कर लो जैसे कि यहाँ पे हम गूगल सर्वर की बात कर लेते हैं या याहू सर्वर की बात कर लो या कोई भी वेबसाइट एक्स वाई जेड की बात कर लो, तो यहाँ पे होगा क्या, आपको उस नेटवर्क तक जाना है ना, सपोज कर लो गूगल के सर्वर तक जाना है। अब गूगल का सर्वर जो है ये बीच में पता नहीं कितने एएस नंबर के होकर जो है आपको पहुंचना है, तो ऐसे में अगर आप यहाँ पे बीजीपी प्रोटोकॉल नहीं कॉन्फिगर करोगे तो आपके लिए ये प्रॉब्लम हो जाएगी वहां तक पहुंचना। तो ऐसे में जो है आईएसपी के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो क्या करे, बीजीपी प्रोटोकॉल को रन करे। तो आईएसपी की सर्विस कर रहे हो, आईएसपी बनना चाहते हो, तो यहां पे आपको बीजीपी प्रोटोकॉल का नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीजीपी प्रोटोकॉल के जरिए ही आप एक सक्सेसफुल आईएसपी बन सकते हो। हाँ ठीक है, अगर आप किसी सोसाइटी में चला रहे हो एक आईएसपी की तरह बन के चल रहे हो बट वहां पे आप एग्जैक्टली आईएसपी का काम नहीं करते हो, आप कहलाते आईएसपी हो लेकिन वो आप काम एग्जैक्टली आईएसपी का नहीं कर रहे हो, आपके ने क्या करा, एक नेटवर्क कनेक्शन ले लिया अपने पास आईएसपी से, उसको आपने रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, जैसे स्विच लगा के कर सकते हो, है ना, तो उस तरह के कनेक्शन को आईएसपी नहीं बोला जा सकता। आईएसपी मींस जहां पे बीजीपी प्रोटोकॉल के जरिए दूसरे अलग अलग नेटवर्क के साथ में उनके एएस नंबर के साथ में आप अपने नेटवर्क को कम्युनिकेट करवा रहे हो, तो वहां पे जो है आपको आईएसपी बन रहे हो तो वहां पे हाई एंड राउटर्स वगैरह की रिक्वायरमेंट भी होती है, तभी जो है आप बीजीपी प्रोटोकॉल कर सकते हो कॉन्फिगर। तो इसीलिए जब अगर आप आईएसपी हो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर वाकई जो है प्रॉपर सर्विसेज देनी है आपको तो वहां पे आपके बीजीपी प्रोटोकॉल को रन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहां पे जो है दूसरा, अगर कहां बात करें कि कहां पे नहीं करना है तो वो मैं ऑलरेडी आपको यहां पे बता चुका हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पे आपको अगर हाई एंड राउटर्स नहीं है, है ना, सिंगल होम एनवायरनमेंट चला रहे हो या कोई भी आप नेटवर्क चला रहे हो वहां पे आपके पास एक हाई एंड राउटर नहीं है तो आपको फिर बीजीपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि बीजीपी प्रोटोकॉल को जब भी आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हो, किसी भी आईएसपी के कनेक्शन के साथ में कनेक्ट करते हो, तो वहां पर होता क्या कि अगर आपका बहुत बड़ा नेटवर्क है, आप इंटरनली जो है सपोज कर लो ये आपका एक नेटवर्क है, ठीक है ना, ये नेटवर्क है, अब इसको जो है आप खुद की कंपनी के अंदर ही बहुत अलग अलग पाथ मैनिपुलेशन करना चाहते हो, बहुत अलग अलग आपके फैच हो रहे हैं और हर जगह पे आपने अलग अलग एएस नंबर्स चला के रखे हैं, ये आपका खुद का कंपनी का नेटवर्क है, तो ऐसे में अगर बीजीपी प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो तो ठीक है, बट यहाँ पे फिर आपका कॉस्ट बढ़ जाएगी नेटवर्क की। कॉस्ट कैसे बढ़ जाएगी, आपको हाई एंड राउटर्स लगाने पड़ेंगे क्योंकि इतने भी हाई एंड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बट बीजीपी को जो है हाई एंड राउटर की रिक्वायरमेंट, तो ऐसा तो है नहीं कि इतना बड़ा नेटवर्क चला रहे हो और आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं, ऐसा तो होता हो नहीं सकता।
तो अगर आप BGP प्रोटोकॉल चला रहे हो अपने नेटवर्क के अंदर, तो डेफिनेटली इंटरनेट के साथ में कनेक्टिविटी तो करोगी करोगी। जब इंटरनेट के साथ में कनेक्टिविटी करोगे तो वहां पे आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि आप जो है हाई एंड राउटर्स का इस्तेमाल करो। अब यहां पे कहां पे और नहीं कर सकते है ना, अब मैं ये सिर्फ BGP प्रोटोकॉल के लिए नहीं बोलूंगा, अगर आपको BGP प्रोटोकॉल का प्रॉपर एंड पूरा डिटेल में नॉलेज नहीं है, डीप नॉलेज नहीं है, तो आप एज अ नेटवर्क इंजीनियर कभी इनिशिएट मत करो कि BGP प्रोटोकॉल आप कॉन्फ़िगर करें, क्योंकि BGP प्रोटोकॉल का बिहेवियर कैसा है, किस तरह से वो काम करता है, कब अपडेट्स आती हैं कब नहीं आती हैं, कहां पर क्या प्रॉब्लम होना, किस तरह से कॉन्फ़िगर करना है, कहां क्या कॉन्फ़िगर करना है, पाथ मैनिपुलेशन करना है तो किस तरह से करना है, तो अगर ये सारी चीज़ें डीप में अगर आपको मालूम नहीं है तो इन दैट केस जो है आपको BGP प्रोटोकॉल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बट ये BGP के लिए ही नहीं, मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कोई भी प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो RIP है, OSPF है या EIGRP है, तो उनके अंदर भी जो है अगर आपको प्रॉपर सारी जानकारी नहीं है तब भी आपको उनको भी यूज नहीं करना चाहिए। बट उन IGP प्रोटोकॉल्स के साथ में आपके पास बेनिफिट ये होता है कि वहाँ पे नेबरशिप जो है ऑटोमेटिकली बनती है, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, इसलिए बहुत ईजिली आप जो है वहाँ पे हैंडल कर लेते हो नेटवर्क। लेकिन BGP प्रोटोकॉल के अंदर क्या है कि यहाँ पे क्या है कि आपको मैनुअली जो है हर राउटर के साथ में उसकी नेबरशिप एस्टैब्लिश करवानी पड़ती है, तो यहाँ पे जो है बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है सब चीज़ों को मैनेज करना। तो ये है आपका कहाँ पे आपको BGP यूज़ करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए। आई एम श्योर कि मैंने आप जो चीज़ें बताई हैं आपको समझ में आई होंगी। फिर भी कोई भी आपका सवाल है, कोई भी डाउट है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो जल्दी से नीचे साइड पर सब्सक्राइब का बटन है उसको सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।